सुनो सुनो सुनो, भूत बंगला जा रहे हैं ठीक है ना, चलेगा ना, चलेगा ना। हाँ बोला है, देख लो। हाँ बोला है, भूत बंगला जा रहे हैं, अगर ना किया तो टांग तोड़ देंगे। नहीं नहीं, वही छोड़ देंगे। हाँ वही छोड़ देंगे। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं तो धरने पे बैठ जाऊंगा। लाइट मिल जाता है ना। ओके हाँ, तो अभी होगी भूत बंगले की स्टोरी चालू। यस यस, हाँ जी दसो। फ्लैश में मत देखना वरना अंधे हो जाओगे। ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बता रहा था कि वो स्टोरी ऐसा है कि विरार में एक बिल्डिंग था जो बहुत साल पहले जल चुका था और बहुत सारे लोग मर चुके थे। तो तब से वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी बोलते हैं कि जहाँ पे वो लोग मरे थे वहाँ की स्पिरिट्स अभी भी वो बिल्डिंग में है। और पिछले दस साल में या पाँच साल पहले चार ऐसे ही बैचलर्स लोग गए थे वहाँ पे एज अ ट्रिप हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करने, बट अनफॉर्चुनेटली सबकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये फेक नहीं, ये रियल है, क्योंकि जो वहीं पे चल के बात करेंगे। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं भूत बंगले के भाई साहब। तो ये वो बिल्डिंग है, मेरे तो इसको देख के फटी भाई साहब, फटिया उनकी फटी। देखो पहले बहुत बोल रहे थे भाई साहब, ये है भूत बंगले वाली बिल्डिंग। ये ज़्यादा दिखनी नहीं बिल्डिंग, लेकिन ये है भूतिया बिल्डिंग अपनी, अंधेरा है पूरा। तो इसका ऐसा सीन था कि ये बिल्डिंग में चार लोग, पांच लोग गए थे, पांच लोग गए थे और एक लड़की थी। अरे कुछ नहीं, नॉर्मल बात है। नहीं, मेरे को रात में नींद नहीं आएगी। हाँ तो वो लोग गए थे ऐसे एज अ बैचलर एक्सप्लोर करने कि ये क्या है बिल्डिंग का। तब तो सब गए थे, सब एज अ गेम खेल रहे थे कि हाइड एंड सीक ही खेल रहे थे बेसिकली, ऊपर नीचे। और एक बंदा था जो नीचे ये कर रहा था, सबको देख रहा था। तो लोग खेल रहे थे। बाद में पता चला कि उनको ऐसे ऐसे साइन दिखने लग रहे थे कि वॉल पे किसी ने खून से लिखा हो, और टॉप थर्ड फ्लोर पे फांसी का फंदा ऐसे लटका हो, और रॉड, स्पेशली रॉड्स। और बेसिकली ये बिल्डिंग से बहुत नेगेटिव वाइब आती है। ऐसा क्यों है कि फोन में ब्लरी ब्लर दिख रही है बिल्डिंग मुझे? वो मुझे तो अंदर देखने में भी फट रही है मेरी, क्योंकि देखो ना, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये बिल्डिंग को कौन सा भी बिल्डर ये बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ पे रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग बना सकता था। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इतनी सारी जो बिल्डिंग्स हैं तब भी, उसके बाद भी ये बिल्डिंग मतलब दोबारा से बनाई नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जो भी बिल्डर ये बिल्डिंग को देखता है और वो रीडेवलपमेंट पे कोशिश करता है बनाने, बड़ो कितना भी ट्राई करो नहीं कर पाता। कौन सा रीज़न उसको, इमोशनल रीज़न आते हैं कि वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि नहीं मुझे ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, मैं दूसरी ले लूँगा। तो पिछले 30-40 साल से बिल्डिंग ऐसी है, कोई ये बिल्डिंग में ना रहता है ना ये रीडेवलपमेंट में गई है। और यहाँ के आसपास के भी जो भी लोग हैं, यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं होते हैं ये बिल्डिंग के आसपास में। इस बंदी को किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना, ये सुनना ही नहीं चाहती। अंदर से पूरा शैडोज है, मतलब यहाँ पे आप अंदर भी देखोगे ना तो पूरा बोलते हैं ना, एक भी लाइट नहीं है बिल्डिंग में, कुछ नहीं है, बस नीचे के सब नीचे में ग्रिल है और आधी बिल्डिंग जली हुई है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग तो जली हुई है क्योंकि वो हादसा हुआ था, लोग मरे थे, तो लोग बोलते कि नहीं ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। मुझे तो बच्चे के रोने की भी आवाज़ आ रही है। वो तो वो बिल्डिंग की, ये बोलना जरूरी था तुझे? इसलिए मैं नहीं आता, एक्चुअली मेरा दोस्त है ना, यहाँ मेरा दोस्त गए थे अंदर, अंदर मतलब यहाँ तलक गए थे। हाँ यहाँ पे लिखा था, अरे नहीं, हम जब यहाँ पे थे ना, मैं और मेरा दोस्त एक्सप्लोर करने आए थे,
तो उसको बहुत चुल थी, उसे देखना था क्या है क्या है, तो वो वहाँ पे गया था, वो जो ग्रिल है वहाँ पे, मतलब अंदर गया था बाहर ही, अंदर नहीं, ये जो एरिया है ना ग्रिल का, अच्छा। अंदर से झांक, मतलब वो उसे देख रहा था, तो उस, हाँ ये वो एरिया, तो वहाँ पे उसको दीवार पे पता नहीं वो कुंकू था या कुछ था, सिंदूर था या खून था, वहाँ पे कुछ तो अलग ही भाषा में कुछ तो लिखा था, और जस्ट उसके साइड में बड़ी सी रॉड, बहुत बड़ी रॉड, और जो फांसी, और जो फांसी के फंदा को यूज़ करने के लिए वो जो रोप रहती है ना, वो भी टंगी हुई थी। वैसे मुझे ये लग रहा है ना, जब मैं ये वीडियो एडिट करने वाला हूँ, मैं दिन में ही एडिट करने वाला हूँ, रात को तो नहीं करने वाला, क्योंकि सुनना पड़ता है यार क्या क्या बोला है बंदा, वो सारी चीज़ें इमेजिन करके वापस से सोएगा कैसे। इमेजिन का बात है, बट जो है वो रियल थॉट है यहाँ पे, इतना बार हुआ है वो रियल है। और जो यहाँ का जो इंस्पेक्टर है, जो डिप्यूटी, जो ऑफिसर है, उसने खुद ने ये बात रिवील की है कि वो यूट्यूब पे भी वो वीडियो है, अभी भी है। अच्छा, आप देख सकते हो, मतलब वो एक्सीडेंट की जो हुआ है, वो एक्सीडेंट का हुआ था, और पूरा एक्सीडेंट कैप्चर हुआ है, लोग मरे हैं, एक औरत भी मरी है, और वो जो ऑफिसर है उसने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था कि ये हादसा सच है, ये केस हमारे पास आया था और इसका कुछ पता नहीं चला, तो तब से ये बिल्डिंग अबैंडन्ड है। अच्छा एक बात बताओ, नीचे की तरफ तो रेलिंग्स लगी हुई हैं, ऊपर क्यों नहीं है? वही तो, और यहाँ के लोग डरते नहीं हैं? उसको हार्म पहुंचा थी जो उनको हार्म पहुंचाए। ये प्रोटेक्टर भी, मतलब जैसे इन्होंने वहाँ पे देखो लाइट भी लगाई है उस बिल्डिंग में, वहाँ पे उस वहाँ पे लाइट लगी हुई है, वो उनको ही हार्म पहुंचाए कि जो उनको हार्म पहुंचा थे। और जो वो जो चार लोग गए थे वो ये रास्ते पे, ये रूट से गए थे। दूसरों के मोहल्ले में आके हम ये सब कर रहे हैं, वो जो चार लोग गए थे एज अ एक्सपेरिमेंट करने कि हमें गेम देखना है क्या है, वो यहाँ से गए थे, और वो जो ग्रिल है ना, वो ग्रिल से चढ़ के सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, टेरेस से लेके वो से लेके सब। तो वैसे दरवाजा बंद है इसका? दरवाजा लॉक है, बट लॉक करके फायदा क्या, अगर बंदा जा सकते तो वो ग्रिल चढ़ के आराम से जाएगा, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग भी थोड़ी है, वो बिल्कुल फ्लोर्स भी कितने, दो ही तो फ्लोर है, और ऊपर से वो बिल्डिंग जली है, कितने लोग मरे हैं। तो मतलब ये जो शटर है ये दरवाजा है बेसिकली, ये शटर, ये दुकान थी यहाँ पे। अच्छा, सब जली, सब बंद हो गया, और वो साइड से बीच में से रास्ता है, ए विंग, बी विंग, सी विंग, टोटल चार विंग है, डी विंग, डी विंग पूरा गया, ए विंग भी गया, बी विंग, सी विंग, डी विंग पूरा गया हुआ, और यही सी विंग जिस यहाँ पे सिर्फ तीन माले का बिल्डिंग है। और ये किस टाइम की बात है, मतलब कितने साल के हो गए ये? आप सोचो उसके टेरेस पर पेड़ पौधे उगने लगे, सोचो कितना टाइम पुराना है, देखो वो टेरेस के ऊपर पेड़ पौधे, इसके ऊपर देखो, इसके आगे वो टेरेस देखो, वहाँ से झाड़ियाँ निकलना चालू हो चुकी है, मतलब सोचो कितना पुराना रहेगा। लेकिन उसके हिसाब से भी इतनी पुरानी देखो लग नहीं रही ना बिल्डिंग, मतलब नई जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसको रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है, ये उतनी नहीं, बस कलर हटा है और कुछ नहीं, टूटा फूटा, टूटा फूटा कुछ नहीं, बड़ी बिल्डिंग जली थी और लोग मरे थे, इसीलिए तब से ये बिल्डिंग ना रेनोवेट हुई है ना कुछ हुई, ये वैसी की वैसी ही है। अगर कोई रेनोवेट करने भी आता है ये बिल्डिंग को तो कुछ ना कुछ तो तोड़ता था ना, कुछ ना कुछ तो टूटने का, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, कुछ टूटा नहीं है, कुछ नहीं, बस ये बिल्डिंग जली है। अगर जिसको रेनोवेट करना भी होगा तो वो करेगा, बट वो ये बिल्डिंग कहीं से भी टूटी नहीं है, सिर्फ जली है, और वो तब से जली है, तब से बंदी है, और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे ग्रिल्स है, फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ग्रिल्स है, सेकेंड और फर्स्ट पे नहीं है ऐसा कि, और जितने भी अंदर दरवाजे हैं, मतलब दरवाजे तो हैं नहीं, सब ओपन डोर्स है, मतलब किस एक में, एक के भी रूम में ऐसा एज अ पर्टिकुलर डोर नहीं है, सब ओपन है, और सबके जो ऊपर फ्लोर्स के बीच में एक ऐसा वो एटिक रहता है ना गैप, वो है। तो ये थे हमारे इस भूतिया बिल्डिंग की कहानी, मतलब नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे लोग फील भी करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये नहीं कहूँगा कि लोग भाग भाग गए यहाँ पे, तो उस तरह के हादसे नहीं हुए, लेकिन हाँ यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स तो हैं, ये तो मैं कहूँगा। जितना बिल्डिंग के क्लोज जाते हैं ना तुम्हें फील होती है वो जो नेगेटिव वाइब होती है, मतलब कि बंदा कुछ शायद गलत कर ले अगर यहाँ पे
ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो। और ऐसा भी नहीं है, तो मेरा एक फ्रेंड था वो हमारे साथ ही आया था, तो वो उसका एक्सपीरियंस ये था कि उसको वो रात में नींद भी नहीं आई, और आई भी तो उसको बहुत बुरा सपना आया था। मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपके रात की नींद में वो डीमोनिक थॉट्स आते हैं ऐसा कुछ, फिर वो इफ़ेक्ट करता है, और जो मेंटली इमोशनल बंदा रहता है तो उसके लिए तो ठीक नहीं है। तो कुल मिला के कह जा सकता है ये जो यहाँ पे रेलिंग है ये बॉर्डर लाइन ही है, इसके अंदर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मामला। अच्छा तो ये बिल्डिंग है, इसके अंदर तो लोग रहते हैं चलो, लेकिन बात ये कि इस बिल्डिंग की हालत थोड़ी सी खस्ता है जबकि लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बिल्डिंग मेरे को चकाचक दिख रही है, बस विंडोज गए हुए हैं। बिल्डिंग के ऊपर ही पेड़ पौधे उग गए देखो भाई साहब, इसमें दिख नहीं रहा लेकिन यस देखो यहाँ पे। तो आप नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन ऊपर की तरफ पेड़ पौधे हो गए हैं लंबे लंबे, इतना टाइम हो गया इसको। और इन मैडम को इतना डर लग रहा है कि वो पीछे की तरफ बैठी हुई है स्कूटी पे और बार बार चलने के लिए फोर्स कर रही है। तो मैंने उन दोनों को ना वार्निंग दी है कि अपने बीच गैप रख के ना चले कि आप तो कोई भूत बैठ के चला जाए। यस, वो राजू के पापा ही ना हो। एक सेकेंड, मैंने तो भाई जिक्र भी नहीं किया उस घर के बाहर आगे कि मैं अकेला रहता हूँ, ये सब मतलब अपने फैमिली के साथ रहते हैं, पता चला मेरे पीछे आ गया अटैक करने के लिए। और मैं तो भैया सेकेंड टाइम आया हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता था कि कहाँ जाना है, कैसे अंदर जाना है, नहीं करना जाना है, और दो कौन से गेट वगैरह है। जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस मेरे दोस्त लोग लेके आए थे और बोल रहे थे आज एक्सप्लोर करेंगे करेंगे करेंगे, और मैं भी आया था, और मुझे जैसे ही मैं वो एरिया में घुसा मुझे भाई नेगेटिव वाइब्स आना चालू, मुझे अनइजीनेस फील हो रहा था, बहुत ही क्रीपी वाइब्स है वहाँ पे। और जैसे ही हम वो रूट से बाहर निकले एकदम से माहौल चेंज, एकदम से मतलब हर जगह लाइट, हर जगह ये वो, ऑलमोस्ट मूड स्विंग। अब हम भी अंदर जाने की कोशिश कर सकते थे लेकिन हमारे साथ जो हमारी एक पार्टनर थी वो उसको शायद ज़्यादा डर लग रहा था, वो ज़्यादा घर के करीब ही नहीं आना चाहती थी, इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया अंदर जाने की। लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम अगर मन किया कुछ इंटरेस्टिंग करने का तो शायद तब अंदर जाए। yes, और तब मिलेगा आपको इस वीडियो का पार्ट टू। yes. तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, वो अपना पूरा भूतिया जो बिल्डिंग थी वो देख के और अपने यार दोस्तों को छोड़ छुड़ा के, एक्चुअली वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे अपनी स्कूटी वगैरह पे, फिर उसके बाद आगे बस मैंने बनाना और दूध पिया है और बस अब सो जाएंगे, एक दो एपिसोड लूफी के देख के, आई मीन वन पीस के। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। यू वांट टू हैव सम? आई हैव खाली प्लेट फॉर यू। टाटा।